छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे तो चुनाव होते ही रहे हैं, मगर इस बार के चुनाव इसलिए खास हैं क्योंकि इस बार के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक पार्टी और है, और ये पार्टी है जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। लेकिन सवाल ये है कि एक साल पहले अस्तित्व में आई जोगी पार्टी क्या सूबे में मौजूद दोनों पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? खुद जोगी और उनके नेताओं की माने तो बेशक उनकी पार्टी 2018 में जनता की पहली पसंद होगी। खैर, अपनी ही पार्टी है तो ऐसे दावे लाजमी हैं। लेकिन मामला तब संजीदा हो जाता है जब खुद प्रदेश के सीएम कह दें कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। योगी की पार्टी भी एक तीसरी शक्ति के रूप में है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि इसको हम बहुत कमजोर मानेंगे, वो भी एक शक्ति के रूप में है, तीसरी शक्ति के रूप में है। तो चुनाव में इस बार डायरेक्ट न होगे, त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति बन सकती है, मैं इसको मान के चलता हूँ। सीएम का ये बयान यकीनी तौर पर जोगी और उनके कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने वाला है। सीएम भले ही दोनों विपक्षी पार्टियों को मजबूत मानते हो, लेकिन जोगी पार्टी का कहना है कि उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने, अच्छी बात है, थैंक यू कहूंगा उनको कि उन्होंने ये बात मानी तो सही, लेकिन उन्होंने ये बात को मानने में थोड़ी देर कर दी। जिस दिन पार्टी का गठन हुआ उसी दिन पार्टी सुप्रीमो हमारे नेता श्री अजीत जोगी जी ने ये कहा था कि ये कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। सीएम साहब ने बात स्वीकारी है, लेकिन बात स्वीकारने में भी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कमजोरी है इनकी बात पर। त्रिकोणीय संघर्ष कहीं पे भी नहीं है। हम पहले दिन से जो हमारा स्टैंड था उस स्टैंड पे कायम है, और हमें दावा करते हैं कि जो स्टैंड हमारा था और जो बात हमने कही थी कि हमारा मुकाबला सीधा प्रदेश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए कहीं त्रिकोणीय संघर्ष का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ कांग्रेस